नमस्कार, आप देख रहे हैं एटी मनी बनो, अपना फाइनेंस मिनिस्टर मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और एक दिलचस्प शो लेकर आए हैं जहां पर आपके निवेश पोर्टफोलियो के हर पहलू पर हम बात करेंगे। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। लार्ज मल्टी स्मॉल या मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, जानिए कहां निवेश करना आपके लिए रहेगा फायदेमंद। अब लोग करवा रहे हैं कैंसर का खास इंश्योरेंस, आप भी करवाने की सोच रहे हैं तो ये बातें रखें ध्यान में। एसआईपी और एकमुश्त निवेश में क्या है फर्क और कैसे समझे एसआईपी और एकमुश्त निवेश के फायदे, जानेंगे आज शो पर। अगर आप भी अपने इंश्योरेंस, निवेश, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो अपने सवालों को आप भेज सकते हैं हमारे खास व्हाट्सएप नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। चलिए तो यहाँ पर शो की शुरुआत करते हैं। और किस तरह से आपको अपना इक्विटी पोर्टफोलियो बनाना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश को लेकर और किस तरह से मार्केट एक्सपोजर रखना चाहिए, इन तमाम बातों को हम समझते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं एटी मनी के सीईओ संतोष नवलानी। संतोष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। तो ये बताएं हमें कि किस तरह से आपको अपने इक्विटी एक्सपोजर को निवेश पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। हाय कविता, इस टॉपिक पे कविता हमने मल्टीपल टाइम्स बात करी है, बट मैं शायद थोड़ा एक बैकग्राउंड देना इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपको हमेशा मल्टीपल एसेट क्लासेस में पहले डाइवर्सिफाई करना है अपने पोर्टफोलियो को। आपके पोर्टफोलियो में एक्विटी, डेट, गोल्ड, इंटरनेशनल एक्विटीज़, रियल इस्टेट, मल्टीपल तरीके की चीज़ें की ज़रूरत है, क्योंकि हर एसेट क्लास एक ही टाइम पर रिटर्न नहीं देता। कभी कभी ऐसा होता है कि एक एसेट क्लास रिटर्न नहीं दे रहा होता है बहुत लंबे समय तक, लेकिन अगला एसेट क्लास आपको रिटर्न देगा और आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबल एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेगा। तो अक्रॉस एसेट्स डाइवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही जब आप इक्विटी में अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, इज इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास डिफरेंट तरीके के म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो। और उसके बाद आपके जो पैसे हैं वो डिफरेंट AMCs में भी डाइवर्सिफाई होने चाहिए अगर आप एक्टिव फंड सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप पैसिव सेलेक्ट कर रहे हैं तो AMC का कुछ रोल प्ले करने को नहीं रहेगा। तो एक्टिव में ध्यान रखना जरूरी है कि आपके पैसे एटलीस्ट पूरे के पूरे एक म्यूचुअल फंड कंपनी में नहीं है। समझा दिया आप संतोष, लेकिन मुझे आपसे ये भी समझना है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की जो परिभाषा है जो सेबी ने निर्धारित की है उसके बारे में जरा जानकारी दें दर्शकों को। सुकविता, 2017 के पहले जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज इंडिया में थे वो अपने हिसाब से लार्ज कैप फंड या मिड कैप फंड या स्मॉल कैप फंड चला रहे थे। बहुत बार ऐसा देखा गया था कि एक लार्ज कैप फंड में काफ़ी ज़्यादा अलोकेशन मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स को दिया गया है, या वैसे ही मिड कैप स्टॉक्स में या मिड कैप फंड में लार्ज कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी शामिल हैं। और यही चीज़ डेट कैटेगरी में भी काफ़ी तरीके से देखी गई थी कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं वो जो नाम है म्यूचुअल फंड का, जो कैटेगरी में शामिल किया हुआ है म्यूचुअल फंड कंपनी अपने फंड को, वैसे फॉलो नहीं हो रहा है। तो सेबी ने 2017 में काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया कि एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी में जो फंड शामिल किया गया है वो कैसे ऑपरेट करेगा। तो अगर सिंप्लीफिकेशन तरीके से हम फोकस करते हैं सिर्फ लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कैटेगरीज के ऊपर, तो लार्ज कैप कैटेगरी का मतलब ये है कि जो फंड चला रहा है लार्ज कैप फंड वो अपने उस फंड में कम से कम 80% अलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स को दे। और वो लार्ज कैप स्टॉक्स कौन से होंगे वो भी डिफाइन किया गया है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी लार्ज कैप स्टॉक्स को देखेगी कि वो 1 से 100 रैंक में गिरता है कि नहीं गिरता है बेसिस मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जैसे मार्केट कैप समझते हैं कि कंपनी की जो शेयर प्राइस की और कितने भी शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है उनकी वैल्यू दिखा जाता है। जैसे अगर देखेंगे तो भारती एयरटेल शायद
5 लाख करोड़ के आसपास कंपनी होगी, एक रिलायंस इंडस्ट्रीज शायद 14 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यू होगी। तो ऐसे टॉप 100 कंपनीज बाय मार्केट कैप रैंक होते हैं हर 6 महीने, और उसमें से आपको जो 80% लोकेशन है इन्हीं 100 कंपनीज के बीच में होना चाहिए, चाहे आप 30 कंपनीज उठाएं, चाहे 20 कंपनीज उठाएं, चाहे 50 कंपनीज उठाएं, लेकिन आप इन 100 कंपनीज में ही 80% पैसा लगाएंगे अपना। इसको बोलते हैं लार्ज कैप। वैसे ही मिड कैप को बोलते हैं जो 101 नंबर पे लगती है और 250 नंबर तक का मार्केट कैप पे आती है। तो ये 150 स्टॉक्स को बोलते हैं मिड कैप स्टॉक्स। और मिड कैप फंड की कैटेगरी डेफिनेशन ये है कि कम से कम 65% आपका अलोकेशन इन 150 स्टॉक्स में होना चाहिए। आप कितने भी स्टॉक्स लें वो फंड मैनेजर की स्ट्रेटजी के हिसाब से। वैसे ही स्मॉल कैप 251 नंबर से लेके जो कंपनीज आती है मार्केट कैप पे वो स्मॉल और ऑनवर्ड्स वो स्मॉल कैप स्टॉक्स कहलाते हैं। और वैसे ही 65% जब फंड में मिनिमम इन स्टॉक्स में अलोकेशन किया जाता है तो वो स्मॉल कैप फंड कहलाता है। तो ये तीनों चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई हैं 2017 के बाद, और उसके हिसाब से अगर फंड आपको सिलेक्ट करना है तो काफ़ी आसान हो गया है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि आपको पता है जब आप स्मॉल कैप फंड खरीद रहे हैं तो कम से कम 65% पैसा आपका स्मॉल कैप स्टॉक्स में जाएगा। नेक्स्ट ये मुझे बताएं, जब भी आप इक्विटी एक्सपोजर की बात करते हैं संतोष, तो कितना ज़रूरी होता है कि लार्ज मिड और स्मॉल कैप तीनों का एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में रखना? क्या हम किसी एक मार्केट एक्सपोजर के तहत अपने पोर्टफोलियो को नहीं डिज़ाइन कर सकते, या अपने किसी भी आर्थिक लक्ष्य को किसी एक मार्केट एक्सपोजर लार्ज या मिड कैप के तहत प्लान नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते? कविता, ये एक्चुअली डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। जो भी आप लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स देख रहे हैं या कंपनीज देख रहे हैं, तो जाहिर यह है कि जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं या लार्ज कैप फंड्स होते हैं जो लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, ये टिपिकली वेल रिसर्च्ड कंपनीज होती हैं, स्टेबल बिजनेस मॉडल्स होते हैं, प्राइसिंग पावर होता है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सपेक्टेड होती है, तो एटलीस्ट रिस्क थियोरेटिकली थोड़ा कम होता है कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप, और रिटर्न्स भी स्टेबल या फिर एकदम आउटसाइज एक्सपेक्टेड नहीं होते, लेकिन आपको ये पता है कि आपका रिस्क कम है इनके अंदर। वैसे ही मिड और स्मॉल कैप में जाएंगे तो आपका रिस्क बढ़ते जाएगा, तो मिड कैप का जो रिस्क है वो थोड़ा ज़्यादा होगा लार्ज कैप से, लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड होगा। वैसे ही स्मॉल कैप में आपका रिस्क भी और बढ़ जाएगा मिड कैप से भी, और स्मॉल कैप में रिटर्न्स भी एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगी, लेकिन शायद रिटर्न्स आए या ना आए वो गारंटी नहीं है। तो एक इन्वेस्टर को अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। आप अल्टीमेटली एक लेवल तक रिस्क को झेल सकते हैं, और अगर आपको लगता है वो लेवल आप मीट कर सकते हो कम से कम, और उसमें वो स्मॉल कैप फंड शामिल होने से वो लेवल आपकी बीट नहीं होती है तो आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बैक टेस्टिंग पूरा डेटा निकालेंगे या जो इंडाइसिस ने रिटर्न दिया है ओवर लास्ट 20 ईयर्स, तो आपको दिखेगा कि जो हमारी बिलीफ है बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स की कि हाई रिस्क मतलब हाई रिटर्न, वो एक क्वेश्चनेबल बिलीफ बन जाती है, क्योंकि डेटा दिखाता है कि सबसे बढ़िया रिटर्न अगर रिस्क के हिसाब से देखा जाए तो मिड कैप फंड्स और मिड कैप स्टॉक्स बेटर रिटर्न देते हैं रिस्क एडजस्टेड, कि कितना रिस्क आप ले रहे हैं और आपको कितना रिटर्न मिलने की क्षमता दिखाई गई है पास्ट में। लार्ज कैप नंबर 2 पे आता है और स्मॉल कैप नंबर 3 पे आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा पैसा मिड कैप में लगा दें, क्योंकि साइकल्स होती है मार्केट में हमेशा, कभी कभी टाइम होगा कि बहुत टाइम तक मिड कैप स्टॉक्स रिटर्न नहीं देंगे, तो आपको अपने हिसाब से बनाना है पोर्टफोलियो। मेरे हिसाब से अगर मैं रिकमेंड करूं तो लार्ज और मिड कैप के बीच में काफ़ी अच्छे पोर्टफोलियोज बनाए जा सकते हैं और लॉन्ग टर्म तरीके से होल्ड किया सकते हैं। शायद स्मॉल कैप एक्सपोजर की जरूरत ना पड़े अगर आप परफॉर्मेंस को देखेंगे पिछले 20 सालों के। तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी जोखिम उठाने की क्षमता कितनी है और आपका लक्ष्य कितना दूर है, उसके तहत आप इस बात पर आ सकते हैं, इसको तय कर सकते हैं कि किस तरह के मार्केट एक्सपोजर में आपको अपना निवेश ज़्यादा करना है, किस में कम करना है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, एक धारणा है, ख़ासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर, कि ये बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भरे मार्केट एक्सपोजर वाले स्टॉक्स होते हैं, ठीक है? तो अब हमें ये बताएं कि अगर इनमें इतना जोखिम होता है
लार्ज कैप्स के मुकाबले क्या इन फंड्स में आपकी समय की अवधि थोड़ी सी क्या ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर ये इतने उतार चढ़ाव भरे होते हैं तो इनमें जोखिम भी ज़्यादा होता है, क्या वजह है इतने वॉल्टाइल होने का? सो कविता, कोई भी इकोनॉमी और इंडिया कोई एक्सेप्शन नहीं है. हर इकोनॉमी में मार्केट साइकिल्स होती हैं, इकोनॉमिक साइकिल्स होती हैं. जब भी मार्केट में लिक्विडिटी होती है, इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, तो बिजनेसेस को एक्सपैंड करने का मौका मिलता है. बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डअप में पैसा लगाते हैं, मार्केटिंग और ब्रांडिंग में पैसा लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पैसा लगाते हैं. तो जब पैसा सस्ता हो जाता है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, तो हर कंपनी को चांस मिल जाता है अपने बिजनेस को बढ़ावा देने का. तो उस टाइम पर आप देखेंगे कि भले ही लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे. शायद आपको डिफरेंस भी पता नहीं चले कि ये स्मॉल कैप स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है, बिकॉज हर स्टॉक अच्छा रिटर्न दे रहा होगा और हर फंड भी शायद अच्छा रिटर्न दे रहा होगा. लेकिन जब साइकिल्स टर्न हो जाती हैं, जब पैसा महंगा हो जाता है, कि ब्याज दरें मार्केट में बढ़ी जाती हैं, जैसे अभी हो रहा है, 10-year जी से यील्ड इस टाइम पे ऑलमोस्ट 7.5% पहुँच रही है. रेपो रेट RBI ने 6.4 कर दिया है पिछली RBI पॉलिसी में. तो अगर आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हुए देखेंगे, तो हर कंपनी पैसा मार्केट से बोरो नहीं कर सकती, बैंक्स भी लेंड नहीं करेंगे. तो उस दौरान स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है परफॉर्मेंस पे, और देखा गया कि करेक्शन आते हैं उस टाइम पर. तो अगर आप एक इकोनॉमिक साइकिल्स को दिमाग में रखेंगे, तो आप देखेंगे कि अच्छी और इजी लिक्विडिटी कंडीशंस में हर स्टॉक परफॉर्म करता है, और बुरी लिक्विडिटी कंडीशंस में शायद लार्ज कैप एस्केप कर जाते हैं गंदा परफॉर्मेंस, लेकिन मिड और स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं. तो अगर आप इकोनॉमिक साइकिल्स देखेंगे, तो आप इसको टाइम नहीं कर सकते. कभी भी ग्लोबल हेडविंड्स क्या आती हैं, या RBI कैसे रिएक्ट करता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे बनती हैं, वो आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और कोई भी शायद प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पूरा पैसा एक मिड कैप या स्मॉल कैप या लार्ज कैप में न लगाएं. अगर आपने पूरा पैसा सिर्फ लार्ज कैप में लगा दिया और मार्केट लिक्विडिटी कंडीशंस काफ़ी ईज आउट रही, एवरी कंपनी ग्रो करने का चांस मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि मिड और स्मॉल कैप में रिटर्न थोड़ा ज़्यादा मिलता है, और आप लार्ज कैप में पूरा पैसा डाल के बैठ गए, तो आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा. इसलिए एक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है, और वो डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट कितना डाइवर्सिफाई, कितना कौन से स्टॉक और म्यूचुअल फंड में करना है, ये आपकी रिस्क एपेटाइट डिफाइन करती है, और जैसे आपने बताया गोल्स डिफाइन करते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट अवधि डिफाइन करता है. चलिए, तो यहाँ पर किस तरह से लार्ज मिड और स्मॉल कैप में आपको तालमेल बैठाकर चलना चाहिए, ये तो हमने आपको समझा दिया. लेकिन संतोष, बहुत ज़रूरी है लोगों को ये समझाना कि ये आपको पूरा बैलेंसिंग का जो पूरा काम है वो अपने लक्ष्यों के तहत करना है, और ये तब आपके फेवर में ज़्यादा आएगा अगर आपकी जो निवेश की अवधि है वो लंबी है. क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको तीनों में से किसी एक कैटेगरी को पिक करना है. हाँ, हो सकता है कि आपका एक्सपोजर, आपकी निवेश राशि किसी एक कैटेगरी में ज़्यादा हो, किसी एक कैटेगरी में कम हो, लेकिन इन तीनों का बखूबी इस्तेमाल करके आपकी रिटायरमेंट के लक्ष्य की बात हो गई, घर खरीदने के लक्ष्य की बात हो गई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के खर्च को इकट्ठा करने की बात हो गई, कितनी बखूबी इस लार्ज मिड कैप और स्मॉल कैप का आपको इस्तेमाल करना चाहिए. आप ईटी मनी पर क्या रिकमेंड करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को? सो कविता, ईटी मनी पे हम लोग ज़्यादा बिलीव एसेट एलोकेशन मॉडल्स में करते हैं, और प्रेफर करते हैं कि मैक्सिमम लोगों को एटलीस्ट इक्विटी और डेट में एक्सपोजर हो, अगर गोल्ड आप नहीं लेना चाहते तो. तो अगर इक्विटी और डेट में करेंगे, तो इक्विटी पार्ट हम ट्राई करते हैं कि रिकमेंड करें आप एक फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो बनाइए या मल्टी कैप पोर्टफोलियो बनाइए, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क. अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते या नहीं ले सकते हैं हमारे असेसमेंट के हिसाब से, तो शायद आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप अलोकेशन बहुत कम होगा या नहीं भी होगा. आपके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम लार्ज कैप और थोड़ा मिड कैप रहेगा. लेकिन आप अगर ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि जोखिम ले सकते हैं एक लंबे अवधि के लिए, रिटायरमेंट गोल्स को अच्छे से प्लान कर सकते हैं, तो आपको एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी कंपोनेंट दिया जाता है, जिसमें लार्ज कैप शायद बड़ा कंपोनेंट होगा, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में भी काफ़ी अच्छे से एलोकेशन होगा. लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम रिकमेंड करेंगे कि स्मॉल कैप आपके पूरे पोर्टफोलियो का 30-40% अलोकेशन हो जाए. वो बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि कोई भी मार्केट टाइम नहीं कर सकता कि स्मॉल कैप कभी
मार्केट में बहुत ही ज़्यादा गिर जाए या बहुत ही उतार चढ़ाव वहाँ पे आ जाए। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से मिक्स रखें, ये हम रिकमेंड करते हैं। सेकेंडली, आप अगर देखेंगे इक्विटी का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, काफ़ी एक्सपर्ट्स टीवी पे आके बताए होंगे और हमने पढ़ा भी है, सीखा भी है और देखा भी है, एक्सपीरियंस भी किया है कि इक्विटी लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छा रिटर्न देता है। तो अगर आप अगर एक 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 तरीका होता है रोलिंग रिटर्न्स देखने का, रोलिंग रिटर्न्स मतलब आप इंस्टेड ऑफ आप लुक की आप ऐसा नहीं देखें कि पिछले 3 साल में कितना रिटर्न आया, पिछले 5 साल में कितना आया या पिछले 7 साल में कितना आया, आप इसको ऐसे मत देखिए। आप ये देखिए कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तब मार्केट साइकिल कौन सी होगी आपको पता नहीं होगा, या अगले 20 साल मार्केट साइकिल कैसे होने वाली है वो आपको पता नहीं होगा। तो इम्पॉर्टेंट ये कि आप कौन से भी 5 साल, कौन से भी 10 साल का अगर रिटर्न निकालेंगे तो एवरेज रिटर्न क्या आता है। तो अगर आप ये देखेंगे, तो अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स या स्टॉक्स को देखेंगे या इंडेक्सेस को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि लार्ज कैप रिटर्न शायद 12-13% के आसपास दिख रहा होगा, मिड कैप 14 के आसपास दिख रहा होगा, लेकिन स्मॉल कैप 11-12 के आसपास दिख रहा होगा। तो अगर ये आप देखेंगे तो रिटर्न सब में सिमिलर हैं, लेकिन जोखिम बहुत ज़्यादा है। तो स्मॉल कैप में जब जब भी मार्केट ख़राब होता है तो 50-50, 60-60% भी आपकी सालाना नुकसान हो सकता है या आपकी वैल्यू नीचे गिर सकती है। मिड कैप में शायद थोड़ी सी कम होगी, लार्ज कैप में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, शायद 40-50% तक आपको नुकसान होगा, उसके ऊपर नहीं होगा। तो आप ये देखिए कि 10-15 साल अगर आप पैसा लगाएंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा। तो कम से कम अवधि अगर आप देंगे मार्केट में 7-10 साल दीजिए, और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप कम से कम 8% कमा सकते हैं, ऐसा डेटा दिखाता है पिछले साल का, पिछले सालों का। तो एक लॉन्ग टर्म व्यू रखिए और डाइवर्सिफाई करिए अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, तो आपके रिटर्न्स बेहतर हो सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो किस तरह से आपको लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का फ़ायदा उठा के अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग करनी चाहिए और इक्विटी में अपनी रणनीति बनानी चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे मुद्दे को समझाने के लिए संतोष। लेकिन शो को आगे बढ़ाएंगे और कैंसर